सो लाइट गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y72 डिवाइस के अंदर वाई कलर का एक न्यू फीचर आउट हो रहा है और ये अपडेट्स के जरिए लोगों को मिल रहे हैं। आई थिंक आपको भी मिल चुका होगा अगर ये अपडेट आउट हो चुका होगा आपके फ़ोन के अंदर। सो चलो हम दिखाते हैं कौन सी है सेटिंग्स को ओपन कर लेना। अगर अपडेट आया हुआ है कोई तो आप सिस्टम अपडेट से यहाँ से अपडेट उसको कर सकते हो, देख सकते हो हमारा अपग्रेडेड वर्जन भी देख सकते हो। हालांकि मैं वीवो का V23 Pro यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये सारे सिस्टम्स में अभी आ रहा है ये ऑप्शन, तो कोई दिक्कत नहीं, ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर वाले सेक्शन में जाना है, इसको आप क्लिक करेंगे। हमारे पास पहले क्या था, मोस्टली में तीन ऑप्शन मिलते थे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, थीम्स और वॉलपेपर का, लेकिन अभी एक फोर्थ वाला ऑप्शन चूज हो चुका है जो है यूआई कलर। और एक ऑप्शन यहां पर सिंपल मोड का भी है, अगर ये भी अपडेट के जरिए आया होगा तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो कोई बना दूंगा जिससे आप देख के उस सिंपल मोड का यूज कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल बात करेंगे यूआई कलर की। यूआई कलर है क्या, इसको हम क्लिक करेंगे। अभी यूआई कलर में हमें यहां पर दो कलर्स मिलते हैं, एक पहला है प्रीसेट, दूसरा है यूआई कलर का ये डेमो फोन्स, और यहाँ पर वॉलपेपर्स कलर्स हैं और ये दो कलर्स हमें मिल रहे हैं। तो एक्चुअल इनका यूज़ क्या होता है, देखो गाइस ये जो प्रीसेट होता है बाय डिफॉल्ट प्रीसेट होता है कोई भी सिस्टम हो हमारे फ़ोन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं अगर नोटिफिकेशन पैटर्न को ओपन करता हूँ तो माय नोटिफिकेशन में ये जो नोटिफिकेशन का ये बना हुआ है एआरओ आपको ऐसे किसी एप्लीकेशन में मिलता है देखने को, चाहे वो एप्लीकेशन हो कोई भी हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो या फिर बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन हो, वैसे अगर मिलता तो कलरफुल होते हैं। कलरफुल कैसे होंगे, तो आपको एक वॉलपेपर्स वाला सेलेक्ट करेंगे, तो अभी देखो जो हमने प्रीसेट सेट करा था वो अलग था, अभी यहाँ इसको सेलेक्ट कर दिया हमने वॉलपेपर्स वाले को, तो यहाँ पर एक कलर डिज़ाइन हो चुका है जिसके कलर के अंदर इसका पैटर्न अलग हो चुका है और प्लस साइन वाला ये कलर अलग हो चुका है। और वहीं पर हमें एक और कॉम्बिनेशन मिलता है, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे तो इसका कलर वही रहेगा, अलग हो जाएगा। और ये हालांकि वॉलपेपर आपका वही रहेगा लेकिन इसके अंदर दो कलर हमें कॉम्बिनेशन मिलते हैं, दोनों कलर अलग अलग हम चेंज आउट कर सकते हैं। तो मैं करने क्या वाला हूँ, अभी देखो यहाँ पर कोई और वॉलपेपर सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कट करूँगा, इसके बाद हम यहाँ से वॉलपेपर्स को सेलेक्ट करेंगे, मीन्स कि हम चेंज करेंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पर इस वाले वॉलपेपर को चेंज करते हैं, इसमें आई थिंक हमें दो तीन कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, सेट टू होम स्क्रीन कर देंगे इसको, इसके बाद कट करेंगे। अब हमारे पास वॉलपेपर तो चेंज हो चुका है, अब इसको हम देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। इसके लिए हम जाएंगे फिर से सेम सेटिंग्स के अंदर, इसको आप ओपन करिए, इसके बाद लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर वाले सेटिंग्स को अगेन ओपन करेंगे। यूआई कलर को हमें यहाँ पर ओपन करना है, जिसमें आप देखेंगे तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ चुके हैं अभी फिलहाल, क्योंकि पहले दो ही था, अब ये कलर्स वॉलपेपर जो हमने चेंज करा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें दो के बदले यहाँ पर चार हो चुके हैं, तो हम चारों का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में। तो आई होप कि आप समझे होंगे यूआई कलर क्या होता है और आप इसे ईजिली अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन गाइस फिर भी अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह होती है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।